सो गाइस, अब हो गई है अगले दिन की सुबह और हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है। यहाँ से क्या नाम है, अपने हॉस्टलर से चेकआउट का टाइम हो गया। और रात का ये सीन था, हम रात में जो इसका इसका जो हॉस्टलर मैक्स है, हम वहाँ चले गए थे। यानी कि वो प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और उस पर जो थोड़ा पार्टी वार्टी करने के लिए है वो उसकी रूफ टॉप पे है, तो हम वहाँ चले गए थे रात को। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बंदा एक मैनेजर है यहाँ का, कनिष्क, एक और एक कनिष्क हमारे साथ है और एक यहाँ का कनिष्क, उससे हमारी दोस्ती हो गई थी क्योंकि वो हमारे ही होम टाउन से था, दिल्ली से। और अभी का ये सीन है, अभी हम शायद देखते हैं, अब हम आज हम घूमेंगे, कल हम इतना ज़्यादा घूम नहीं पाए, बस आसपास ही हम राम झूला वगैरह घूम पाए हैं जो कि आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो अभी हम जाएंगे शिवपुरी, सोच रहे हैं वहाँ पे बंदे शूट कराते हैं, प्री वेडिंग शूट होता है, मेरे भाई ने भी कराया था, तो वहाँ चलते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, अभी सामान हमने ऑफिस पे रख दिया है। तो बिल्कुल नीचे उतरते ही एक तो ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे पिंक करके, और एक सामने रेस्टोरेंट है उसका भी मेरे को नाम नहीं पता, और एक वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं बिस्त्रो। और हॉस्टलर अपना कुछ ऐसा दिखता है, इसकी दो ब्रांच है, एक हॉस्टलर मैक्स है जो बड़ी प्रॉपर्टी है, ये छोटी है, और ये सामने हॉस्टल है मैंने दिखाया था। तो शायद देखते हैं हम यहाँ पे शिफ्ट होंगे, अभी हम यहाँ पे चेक इन नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम जाएंगे शिवपुरी, तो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है, अगर हमारा प्लान बना तो शायद हम उधर कैंपिंग कर सकते हैं। तो दो दो जगह क्यों पैसे देंगे यार। ये जो रेस्टोरेंट का नाम था स्विस गार्डन, वहाँ से दिख नहीं रहा था, तो एक पिंक करके एक स्विस गार्डन है और यहाँ पे सामने हम जा रहे हैं वहाँ बिस्त्रो है। तो हम आ गए हैं रोड हाउस बिस्त्रो, अब देखते हैं, अभी तो खाली पड़ा है पर यहाँ पे आलू पराठा वगैरह काफ़ी सही था। सो गाइस, जैसे कि ब्रेकफास्ट आ चुका है, थोड़ी सी देर लगी क्योंकि हमें जस्ट खा के निकलना है ताकि हम आज का दिन अच्छे से घूम पाएँ। तो यहाँ पे है पनीर पराठा भाई, और क्वांटिटी देखिए, एक पराठा ये, और मतलब मेरे ख्याल से दो पराठे के पीस कर रखे हैं पर उसमें लिखा एक ही है, जैसे पनीर पराठा मंगाया एक प्लेट एक तरीके से। और ये है आलू पराठा, और यहाँ पे साथ में दही है। और अभी देखते हैं कुछ पीने के लिए, तो पैसे बचाने के लिए अपना नॉर्मल वाटर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी बीच, और अभी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि शायद थोड़ा सा ऊपर की तरफ बोल रहे हैं कि वहां पे कैंपिंग वगैरह वहां पे होती है, बट अभी हमें भी नहीं पता, पहली बार है। तो ऋषिकेश से अराउंड 11 किलोमीटर पड़ा हमें, हम स्कूटी से आ गए। तो अब यहाँ का व्यू देख लो आप, अभी जो फिलहाल हम पहुंचे हैं, ये वाइट सैंड है यहाँ पे, ऐसा बीच टाइप का थोड़ा लुक आता है ये सारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बैठेंगे, फोटोज खिंचवाएंगे, उसके बाद देखते हैं जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। वहाँ पे ऊपर ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पे जाके बात करेंगे कि क्या स्पोर्ट्स होता है, बंजी जंपिंग जो भी होता है वो करेंगे और आपको दिखाएंगे। सो गाइस, फाइनली काफी ढूंढने के बाद हम गलत रास्ते पे चले गए थे, हमें रास्ता मिल गया और हम आ गए थ्रिल फैक्ट्री। और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज भी हैं, जो भी हमें एक्टिविटीज करनी है, बंजी जंपिंग से लेके और भी काफी कुछ बताया उन्होंने, मेरे को तो नाम भी याद नहीं हुए। और इस समय यार दिक्कत ये है कि राफ्टिंग बंद है क्योंकि बारिश वगैरह, मौसम बहुत खराब था, तो राफ्टिंग वगैरह भी हर जगह बंद है। और उसी के सामने कैंप भी, अगर हमें कैंप समझ आएगा तो हम वहां भी चलेंगे, रुकेंगे। और ये कैंप कर सकते हैं, तो गाइस अंदर की तरफ ये सेक्शन है, बाहर वो आपके स्पोर्ट्स हैं, और यहाँ पे गेम्स वगैरह है जिसमें पूल है और वीडियो गेम वगैरह है, ये वो वाला सेक्शन है। यहाँ पे कैंटीन वगैरह है, खाने पीने का सामान है। A few moments later. Guys, so finally, अभी हम जा रहे हैं पहला स्पोर्ट्स करने, स्काई साइकिलिंग, और फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ मैं तो कोई भी स्पोर्ट्स यहाँ पे, देखते हैं कैसा होगा एक्सपीरियंस। कनिष्क भाई, हाँ भाई, रेडी? रेडी स्काई साइकिलिंग के लिए, मतलब लट गाड़ देंगे, लट गाड़ देंगे। अभी साइकिल में टायर नहीं है भाई, मैं चला रहा साइकिल। सो गाइस, ये बड़ा दिक्कत होने वाली है, ये हार्नेस भी नहीं लगाएंगे, कोई सेफ्टी नहीं होगा, हमें ये साइकिल को इस एक सिंगल रस्सी पे चलाना होगा। भैया इसका भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी भैया, इसका पंचर ठीक कर देना। इस सिंगल रस्सी पे चलाना होगा बैलेंस बना के। सो लेट्स सी, देखते हैं, किसी के इन्हीं के हाथ में फोन पकड़ा देंगे, हमारी वीडियो शूट कर देंगे। ये तो कंटेंट के लिए कुछ भी, एक हाथ में ऐसे साइकिल चलाऊंगा और एक हाथ से वीडियो बनाऊंगा, क्यों भाई। तो गाइस, हम लोग आज फियर फैक्टर में आ गए हैं, खतरों के खिलाड़ी। मैं सिलेक्ट हो गया खतरों के खिलाड़ी में, सीजन 3।
भैया जा रहे बैल तो भैया नहीं चले राज चश्मा दिखा रहा अपना चश्मा दिखी इनका भैया का देखिए चश्मा भैया ने इसलिए लगा रखा है ताकि जब हम जाएं और हमें कुछ हो जाए तो भैया बोले भैया बोलेंगे वो नहीं है वो वाली ट्यून नहीं है थग लाइफ की भैया हवा में साइकिल पहली बार चला रहा हूँ वैसे बचपन में तो रोड पे चलानी सीखी थी और यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है उल्टा भेजोगे क्या हमें यहाँ से उल्टी चलाऊंगा सीधी वर्दी ये ऐसी निकल भाई ये क्या है ये ऐसे निकल जाती है निकलेगी नहीं है ऐसे घुमा दी साइकिल वे टाइट कर देना भाई कनिष्क मुझे टाटा कर टाटा यार भाई इन्होंने ऐसे घुमा के अलग कैसे कर दी साइकिल गाइस दोनों पैरों अभी आज डर लग रहा है भाई अभी तो हिल तू पहले कर लेता यार ये अरे नहीं भाई ठीक है क्या नहीं भाई ये तो हिल रही है वहां में अरे नहीं वो थोड़ी सी हिलेगा हां पैडल पे रखो दोनों अब धक्का मार दोगे थोड़ा थोड़ा चलाओ ना मैं क्यों धक्का मारूं अरे भैया नहीं नहीं चलो चलो अब ब्रेक मार दू कहीं बाहर तक चला जाऊं हालत खराब हो गई थी वैसे ही भाई पर जाते फट रही थी ऐसे ऐसे हिल रही थी साइकिल हालांकि हमसे ही साइकिल चलवा रहे हैं और हमसे ही पैसे ले रहे हैं तो आते रिश्ते भी हमारी जान का खतरा है कनिष्क रेडी शक्ल देख लो उसकी हवा खराब हो रखी है भाई कनिष्क गया भाई ये ऐसे हिलती ऐसा लगता पलट जाएगा नीचे इसकी मैं फाड़ रहा हूँ थोड़ा डरा रहा हूँ इसको बाय कनिष्क कल मिलते हैं गाइस सड़क पे तो बहुत साइकिल चलाई थी ये रस्सी पे चलानी पड़ेगी बिना टायर की रस्सी पे साइकिल चलानी पड़ेगी ये नहीं सोचा था आए कैसा एक्सपीरियंस है भाई सही था यार उधर जा रहा था तो डर लग रहा था यहाँ पे भैया ने काफी मोटिवेट किया मुझे हाँ वो कह रहे हाथ छोड़ दो ये कर दो देख लो ये कर लो अच्छा लगा पर हमने करा नहीं कुछ भी इतना दम नहीं था अगर आप यहाँ पे थ्रिल फैक्ट्री आओगे तो यहाँ पे गुरमीत भाई मिलेंगे आपको हमारे नए सब्सक्राइबर बन चुके हैं अभी इन्होंने पूछा तुम्हारा चैनल क्या तो भैया ने सब्सक्राइब कर दिया दोनों ने भैया ने बड़ा मोटिवेट करा और अच्छे से हमारे को पूरा प्रोटेक्शन के साथ उतारा है भाई तो थैंक यू भैया बाकी मिलेंगे और कोई आएगा तो गुरमीत भाई से मिलना है यहाँ पे कभी आओ तो बहुत अच्छे से आ जाओ मेरे साथ सेल्फी लो मुझे देख लो सब कंटेंट ले रहे हैं भैया से भैया फेमस हो गए सो गाइस भाई मैं कनिष्क पता क्या सोच रहा हूँ भाई हम यहाँ पे स्पोर्ट्स करना है पर काफी एक्सपेंसिव है सारे स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट भाई 1500-2000 के तो भाई हम सारे तो नहीं कर सकते 8-10 हैं इसी में मोटा खर्चा हो जाएगा हालत खराब हो जाएगी तो हमने सोचा एक दो स्पोर्ट्स कर लेंगे तो रिवर्स बंजी यहाँ पे कोई और बंदा कर रहा है तो उनको आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है ये तो हम देख ही सकते हैं के मजे ले लेते हैं हाँ देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं ओ भाई ओ बेटे तो गाइस अभी जा रहा हूँ जाइंट स्विंग पे और यहाँ से पहले ऊपर लेके जाएंगे फिर ऊपर जाके बेल्ट खोल देंगे हाँ बैग नीचे रख देता हूँ अभी थोड़े सेफ्टी मेजर्स हो जाएं भाई अकेला जा रहा हूँ कनिष्क ने धोखा दे दिया पीछे अकेला जाना पड़ रहा है फट भी रही अकेले जाने में उसके ऊपर चप्पलें भी गिर जाती है कि नीचे हमारी चप्पल भी गिर सकती है चप्पल भी उतार दूं हाँ तो दोस्तों अब कौटिल्य जा रहा है और यही उम्मीद करूंगा कि बस चला ना जाए बहुत ऊपर ले जा रहे हैं यार बच्चे को झूला झुलाने भेज रहा हूं भैया आप बोलिए
हाँ एक बार वो रहता ना। मतलब मेरी इसलिए हवा खराब हो रही थी क्योंकि मैं अकेला गया था, कनिष तो गया नहीं मेरे साथ। पहला जो जर्क होता है और जो मतलब पहला जो स्विंग हम लेते हैं भाई, उसमें सच में दिल मुंह में आ जाता है, ऐसा लगता है अबे गए छोड़ दिया किसी ने ऊपर से नीचे एकदम से। उसके दूसरे तीसरे में तो नॉर्मल हो जाता है, पर पहला बहुत खतरनाक होता है।